डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास में सोशल स्टडी सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक्स विषय में चैप्टर वन शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है स्टोरी ऑफ पालनपुर। स्टोरी ऑफ पालनपुर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और फार्मिंग इन पालनपुर टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो चलते देखते हैं स्टोरी ऑफ पालनपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, पालनपुर गांव की कहानी। ओवरव्यू हम देख लेते हैं, अवलोकन इसका कर लेते हैं। द पर्पज ऑफ The story is to introduce some basic concepts relating to production. इस स्टोरी का जो उद्देश्य है, इसका जो पर्पज है, वो आपको इंट्रोड्यूस कराना है उत्पादन से संबंधित जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको क्लियर करना है। एंड दिस वी डू through a story of a hypothetical village called पालनपुर। और ये हम एक स्टोरी के माध्यम से जो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल का मतलब ये है काल्पनिक गांव, इसको एक काल्पनिक गांव बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इसका नेम रखा गया है पालनपुर। हालांकि पालनपुर नाम का कोई विलेज नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज बनाया गया है। केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर करने के लिए एक आपके ये लेशन में एक चैप्टर रखा गया है और उस चैप्टर का नेम रखा गया हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालनपुर। पालनपुर जो है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज मानकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन से संबंधित क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो हम देखते हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालनपुर। पालनपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है। बायर याज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ETC आर कैरिड आउट ऑन लिमिटेड स्केल। हालांकि मेन जो एक्टिविटी है वो फार्मिंग है पालनपुर के अंदर, लेकिन इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज है वो भी यहाँ पर लिमिटेड स्केल में की जाती है। अब लिमिटेड स्केल में जो अदर एक्टिविटीज है उनमें है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है। इस प्रकार की जो अदर एक्टिविटीज है वो भी यहाँ पर जो है संपादित की जाती है। इस प्रकार की क्रियाएँ भी यहाँ पालनपुर में होती है, लेकिन जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इस प्रकार की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उनको वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की नीड होती है। अब कौन कौन से रिसोर्सेज है? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड आइटम्स, मानव निर्मित आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मानवीय प्रयास, मनी, ETC। ये इस प्रकार के रिसोर्सेज है जिनका यूज इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज में किया जाता है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालनपुर, जैसा कि पालनपुर की जो स्टोरी है उसमें हम पढ़ते हैं, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज विलेज। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए जो वेरियस जो रिसोर्सेज है उनको यहाँ पर किस प्रकार जो है समायोजित किया गया है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम। परिचय क्या है, गांव कैसा है वो हम देख लेते हैं। पालनपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेज। पालनपुर अपने पड़ोसी गांवों से वेल कनेक्टेड है, इसके अलावा टाउन से भी वेल कनेक्टेड है। रायगंज,
एक रायगंज जो है एक इसी का कस्बा है, अ बिग विलेज, ये एक बड़ा गांव है, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालनपुर, ये पालनपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर। और हर मौसम में रोड्स जो है वो कनेक्ट रहती है विलेज टू रायगंज, रायगंज से, और इससे भी आगे जो नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स है जिसका नेम है शाहपुर, उससे ये सड़क के द्वारा ये पालनपुर जुड़ा हुआ है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वाइजेबल, मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हम देख सकते हैं ऑन दिस रोड, इस रोड के ऊपर हमें विभिन्न प्रकार के जो व्हीकल्स है वो दिखाई देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलोकार्ट्स, टोंगाज, बोगीज, बोगीज हम कहते हैं वुडन कार्ट को, ड्रान बाय बफेलोज, जो बफेलो के द्वारा ड्रान की जाती है उसको हम कहते हैं बोगी, लोडेड विद जगरी, जगरी हम कहते हैं गुड़ को, एंड अदर कमोडिटीज, कमोडिटीज, अदर कमोडिटीज का मतलब है अन्य अन्य आवश्यक वस्तुएं, टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रैक्स। तो इस प्रकार जो है हम इस रोड के ऊपर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम देख सकते हैं, जिसमें आपके बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी, तोंगा, तांगा, बोगी, ये जो है व्हीकल के जो साधन है लोडेड रहते हैं विद जगरी यानी गुड़, और जो अदर कमोडिटीज़ है उनको लादे हुए ये जो व्हीकल्स है हम इस रोड के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रैक्स, ये भी इस रोड के ऊपर दिखाई देते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेज, इस विलेज में 450 परिवार रहते हैं जो बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेज, जो विभिन्न जातियों के हैं। यहाँ पर गांव में 450 परिवार रहते हैं, वो विभिन्न जातियों के हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, गांव में जो भूमि है उसके ऊपर जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है, जो उच्च जाति के जो परिवार है 80 परिवार, उनकी मेजोरिटी है यानी लैंड के ऊपर ज़्यादा उनका अधिकार है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, और जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है उनके जो हाउसेज है वो थोड़े बड़े हैं, आर मेड ऑफ ब्रेक्स, ईंटों से बने हुए हैं विद सीमेंट प्लास्टरिंग, और ये जो इनके मकान है पक्के मकान हैं, ईंटों से बने हुए हैं और सीमेंट प्लास्टरिंग से ये बने हुए हैं, यानी इनके पक्के मकान हैं। जो अपर कास्ट फैमिलीज है 450 में से 80 परिवार उच्च जाति के हैं, इनके जो मकान है वो पक्के हैं। इसके अलावा द एससीज यानी शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति जिनको हम दलित कहते हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ये 1/3 है, यानी 450 में से 1/3 हो गया आपके 150 परिवार, तो 150 परिवार जो है वो एससीज के हैं, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं, अलग गांव के बाहर रहते हैं, एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रा, और इनके जो मकान है वो छोटे हैं और घास फूस के बने हुए हैं, मड के बने हुए हैं यानी मिट्टी के बने हुए मकान, कच्चे घरों में ये रहते हैं जो 150 परिवार जो एससीज के हैं, दलितों के हैं, वो कच्चे मकानों में निवास करते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ज्यादातर जो हाउसेज है उनमें बिजली कनेक्शन है, लाइट वगैरह इनकी सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स आल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस
इलेक्ट्रिसिटी पावर का उपयोग ट्यूबवेल में किया जाता है और ट्यूबवेल का उपयोग फील्ड्स में होता है। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज यहाँ पर किया जाता है। पालनपुर हैज़ टू प्राइमरी स्कूल्स। पालनपुर में दो प्राथमिक विद्यालय हैं, टू प्राइमरी स्कूल्स यहाँ पर है एंड वन हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल आप जानते ही हो, जहाँ पर उच्च शिक्षा दी जाती है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं। तो दो तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है और एक यहाँ पर हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इसको रन किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो पालनपुर में है उसको रन कौन करता है, तो आपको इसका आंसर जो है बताना है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है चलाया जाता है। एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां पर सिक पर्संस का इलाज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है उनको। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि छोटा सा गांव है लेकिन सारी सुविधाएं यहां पर जो है मौजूद है। द डिस्क्रिप्शन अबाउट सॉस, ये जो डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है, ये पूरा विवरण जो हमने पढ़ा है, ये शो करता है दैट पालनपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। तो इस प्रकार डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं तो ये बताता है कि पालनपुर जो है वो क्या है, वो वेल डेवलप है, अच्छी प्रकार से विकसित गांव है। यहाँ पर रोड्स का सिस्टम है, रोड्स है यहाँ पर, पक्की सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन यहाँ पर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन की व्यवस्था है, स्कूल्स भी है, हेल्थ सेंटर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये गांव जो है आइडियल विलेज है, आदर्श गांव है, यहाँ पर सभी सुविधाएं मौजूद है। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज, आपके पास में भी कोई विलेज हो तो इस गांव की तुलना आप अपने गांव से कर सकते हो कि हमारे गांव में क्या क्या है और इस पालनपुर में क्या क्या है, इस प्रकार आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम द स्टोरी ऑफ पालनपुर एन इमेजिनरी विलेज। ये एक इमेजिनरी विलेज है, जैसे कि पहले हमने बताया था आपको, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ये एक काल्पनिक गांव है। ये जो कहानी बताई गई है पालनपुर की, ये इमेजिनरी विलेज की है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। विलेज के अंदर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है, जो उत्पादन क्रियाएं की जा रही है डिफरेंट टाइप्स की, उनके बारे में हमको ये बताती है। इन विलेजेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर हम इंडिया के गांवों की स्थिति देखें तो यहाँ पर भी जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है। हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ जो विलेज है वहाँ पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, पालनपुर की तरह। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज। फार्मिंग के अलावा जो दूसरी प्रकार की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है उनको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज कहते हैं। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन कौन सी है, इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, लघु स्तरीय विनिर्माण, यानी छोटे स्तर पर जो निर्माण कार्य होता है उसको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन सी है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पर जो उद्योगों में जो निर्माण कार्य होता है, जो वस्तुएं बनाई जाती है उसको हम कहते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, ये भी इसी में आएगा। ये किस में आएगा, नॉन फार्म एक्टिविटीज में आएगा। फार्म एक्टिविटीज में तो केवल जो फार्मिंग होती है वही इसमें इंक्लूड होती है, बाकी नॉन फार्म एक्टिविटीज में आपके स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, ये इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये इसमें आती है। किसमें आती है, नॉन फार्म एक्टिविटीज में। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हम दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं, एक तो फार्म एक्टिविटीज और दूसरी नॉन फार्म एक्टिविटीज, इन दोनों को हम
आ देखते हैं आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो जनरल थिंग्स है उनको लर्न करने के बाद में हम इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका संगठन क्या है वो हम देखते हैं। उत्पादन का संगठन यानी प्रोडक्शन किस प्रकार किया जाता है वो हम देखते हैं। इसका एम क्या है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो इसका जो प्रोडक्शन का जो गोल है, जो एम है वो क्या है, प्रोड्यूस करना, उत्पादित करना, क्या करना, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं, दैट वी वांट, जिसको हम चाहते हैं, यानी ऐसी सेवाएं, ऐसी वस्तुएं जिनको हम चाहते हैं उनको प्रोड्यूस करना, ये ही प्रोडक्शन का एम है। प्रोडक्शन का एम क्या है, प्रोडक्शन का उद्देश्य यह है कि जिन वस्तुओं की, जिन सर्विसेज की हमें आवश्यकता है उनको प्रोड्यूस करना, उनको उत्पन्न करना, उत्पादित करना, ये प्रोडक्शन का मेन एम है, मेन गोल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो प्रोडक्शन का एम क्या है, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जिसको हम चाहते हैं। देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए हमको फोर रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स, चार प्रकार की आवश्यकताएं हैं जिनकी प्रोडक्शन में जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमको फोर रिक्वायरमेंट्स चाहिए, चार जरूरतें जिनकी हमको जरूरत होती है, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। यानी गुड्स, गुड्स का मतलब आप जान रहे हो ना, वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, या गुड्स का मतलब विभिन्न प्रकार की कमोडिटीज है, विभिन्न प्रकार की सामग्री है। और सर्विसेज का मतलब क्या है, सर्विसेज का मतलब जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ है, जो हमको जिनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इस सर्विसेज का मतलब ये है विभिन्न प्रकार की पब्लिक फैसिलिटीज है, उसकी हमको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए फोर रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो अब फोर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी चाहिए वो हम देखते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। प्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, जो पहली जरूरत है, जो पहली आवश्यकता है वो लैंड है। अगर हमको प्रोडक्शन करना है गुड्स का तो हमको लैंड चाहिए सबसे पहले, तो लैंड की जरूरत पड़ती है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। अब लैंड के अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि पानी, वन, मिनरल्स, इनकी भी हमको जरूरत पड़ती है, इनकी भी हमको रिक्वायरमेंट होती है। लैंड के साथ साथ, लैंड के साथ साथ जो हमको चाहिए वो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएंगे, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ये तो हो गई फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब प्रोडक्शन के लिए जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। लेबर भी चाहिए हमको, अगर हमको प्रोडक्शन करना है, हमको फार्मिंग करनी है, या हमको कोई उत्पादन क्रिया करनी है, तो उसके लिए श्रमिक चाहिए। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। आपको ये बोल्ड अक्षर बता रखा है तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। प्रोडक्शन की जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जो फोर रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी है, तो आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है लैंड, सेकंड लेबर, श्रमिक चाहिए, श्रम चाहिए, पीपल हु विल डू द वर्क, लोग जो काम करेंगे लैंड के ऊपर, जो काम करेंगे, हम फार्मिंग करेंगे तो उसके लिए लेबर चाहिए। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब इसमें लेबर में जो है अलग तरह तरह का हमको वर्कर्स चाहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की हमको नीड होती है टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। जो नेसेसरी काम है, नेसेसरी टास्क है, उसको करने के लिए हमको हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही वो कर पाते हैं। बाकी दूसरे जो स्किल्ड पर्सन नहीं होते हैं तो वो इस प्रकार के काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है।
अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, और दूसरी जो एक्टिविटीज है उसको करने के लिए मैनुअल वर्क की भी हमको जरूरत पड़ती है। जो जो छोटे स्तर के जो श्रमिक है उनकी भी हमको जरूरत पड़ती है, ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, इस प्रकार के जो श्रमिक होते हैं वो उत्पादन के लिए अपना श्रम प्रदान करते हैं, प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइडिंग द लेबर, वो अपना लेबर प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है वो लेबर वर्कर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये तो हो गए टू रिक्वायरमेंट्स, लैंड एंड लेबर। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए हमको थर्ड रिक्वायरमेंट चाहिए, वो है फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल। जैसे द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कई तरह की जो इनपुट्स होती है जिनको डालना जरूरी होता है, उसमें लगाना पड़ता है इनपुट्स को। प्रोडक्शन के दरमियान जो इनपुट्स चाहिए उसके लिए फिजिकल कैपिटल की जरूरत पड़ती है। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, अब ये फिजिकल कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती है, तो भौतिक वस्तुएं जिनको हम मनी से खरीदते हैं वो है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी, वो है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये आपके फिजिकल कैपिटल में आएगी। टूल्स है, औजार है विभिन्न प्रकार के, या मशीन्स है, या फिर आपके भवन है, तो ये किस में आएंगे, फिजिकल कैपिटल में आएंगे। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर्स, टर्बाइन्स, कंप्यूटर्स, ETC। अब औजारों में, मशीनों में साधारण औजार से लेकर, साधारण औजार कौन से हैं, फार्मर्स के प्लो हो सकते हैं, किसान जो हल्का प्रयोग करते हैं उससे लेकर जो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है, यानी सोफिस्टिकेटेड का मतलब है परिष्कृत, उन्नत जो मशीनें हैं वो भी इसमें काम आती है, वो भी आपके फिजिकल कैपिटल में आएगी। जैसे कि जनरेटर्स है, टर्बाइन्स है, कंप्यूटर्स है, इनका भी यूज हम प्रोडक्शन की एक्टिविटी में करते हैं, तो ये सारी फिजिकल कैपिटल कहलाएगी। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन और मैनी ईयर्स, इनकी एक विशेषता है कि इनको हम मैनी ईयर्स यूज कर सकते हैं। जो कंप्यूटर्स है, टर्बाइन्स है, जनरेटर्स है, टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, उनका हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में मैनी ईयर्स, काफी वर्षों तक इनका हम यूज कर सकते हैं, एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, इसलिए ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। फिक्स का मतलब क्या है, फिक्स का मतलब ये है स्थायी पूंजी, ये स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती है। बिल्डिंग्स है, मशीन्स है, कंप्यूटर्स है, टर्बाइन्स है, जनरेटर्स है, तो इनका यूज हम बहुत से वर्षों तक करते रहते हैं, मैनी ईयर्स करते हैं, इसलिए ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। तो आपके आ सकती है फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं, तो ये इस प्रकार के जो टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, कंप्यूटर्स है, टर्बाइन्स है, जनरेटर्स है, जिनका यूज हम प्रोडक्शन में करते हैं और मैनी ईयर्स, कई सालों तक इनका यूज होता है, इसलिए ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। सेकंड है आपके फिजिकल कैपिटल में रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, नगद मुद्रा, जो हमारे पास में पैसा होता है उसको मनी इन हैंड कहते हैं, और रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल्स हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएगी। तो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर, अब रॉ मटेरियल कौन कौन सा है जो प्रोडक्शन में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है,
तो वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, सच एज यार्न, धागा यूज्ड बाय द वीवर, जो वीवर होता है, बुनकर होता है जो इनका यूज करता है, वो भी इसमें आएगा, रॉ मटेरियल में आएगा ये, जिनका वीवर यूज करता है यार्न का, उसको बुनकर वो कपड़ा तैयार करता है, यार्न को बुनकर वीवर जो है कपड़ा तैयार करता है। इसी प्रकार द क्ले यूज्ड बाय द पोटर, पोटर के द्वारा जो क्ले यूज की जाती है, पोटर होता है, कुम्हार होता है जो मिट्टी को यूज करता है और विभिन्न बर्तन बनाता है, तो वो भी आपके रॉ मटेरियल्स में आएगा। ये रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स, पेमेंट करने के लिए भी हमको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन में जो श्रमिक आते हैं उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स, पेमेंट करने के लिए हमको मनी की जरूरत पड़ती है। एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, और जो अदर नेसेसरी आइटम्स है उनको बाय करने के लिए हमको मनी की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड और कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ये आपके कार्यशील पूंजी कहलाएगी। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, जो हमारे पास में नगद मुद्रा है, जो रॉ मटेरियल्स है वो वर्किंग कैपिटल में आती है। क्यों आती है कार्यशील पूंजी? क्योंकि ये कार्य के रूप में परिणित हो जाती है। जैसे मनी है अपने पास में, तो मनी से हम कोई भी वस्तु जो है बाय कर देते हैं तो मनी खत्म हो जाती है, यानी वो कार्य के रूप में परिणित हो जाती है, कार्य में उसका एंड हो जाता है, इसलिए इसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है, यानी कार्य में काम आ रही है, वर्क में ये पूंजी काम आ रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कौन कौन आएगा? रॉ मटेरियल्स एंड मनी, तो याद रखना आपको। अनलाइक टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, इसके अलावा ये जो ये आपके मशीन्स है, टूल्स है, बिल्डिंग्स है, ये वर्किंग कैपिटल में नहीं आते हैं, ये स्थायी पूंजी है। और ये रॉ मटेरियल और मनी क्या है? वर्किंग कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दोनों में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। अब चौथी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम देखते हैं। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथी रिक्वायरमेंट भी है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टूगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज यूर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। इसके अलावा चौथी जो आवश्यकता होती है उसके भी हमको रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको स्वयं के उपयोग के लिए या फिर बाजार में बिक्री के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए भूमि, लेबर या फिर कैपिटल पूंजी को एक साथ योग्य बनाने के लिए, या इसमें उद्यम में इसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज, ज्ञान की हमको आवश्यकता होती है, एंटरप्राइज की आवश्यकता होती है, किसके लिए? टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, इनको तीनों को जो है एक साथ पुट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए, और मार्केट के अंदर जो है आउटपुट करने के लिए, सेल करने के लिए हमको नॉलेज की आवश्यकता होती है, एंटरप्राइज की आवश्यकता होती है। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट कौन सी है? नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो हमने गुड्स एंड प्रोडक्शन की जो फोर रिक्वायरमेंट्स है वो हमने पढ़ा, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट नॉलेज एंड एंटरप्राइजेज, ये इसकी भी हमको जरूरत पड़ती है। दिस दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, इसको आजकल जो है ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, मानवीय पूंजी, इसको मानवीय पूंजी भी बोला जाता है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर, हालांकि ह्यूमन कैपिटल जो है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे।
इसमें हम देखते हैं आगे इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। इस पिक्चर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लैंड कौन सी है, लेबर कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल कौन सी है, प्रोडक्शन में जो है कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर जो है काम आ रही है, वो आप इस पिक्चर को देख के आप जो है बता सकते हो। तो लैंड तो यही है कि जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज जो है एस्टेब्लिश है वो लैंड है, और लेबर ये लेबर काम कर रही है, तो सेकंड जो है रिक्वायरमेंट ये हो गई। और फिक्स्ड कैपिटल ये मशीन आइटम वगैरह जो भी लग रहे हैं ये फिक्स्ड कैपिटल है। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हो सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के श्रमिक काम कर रहे हैं मशीन के साथ में। तो ये आप जो है इसमें पिक्चर में आप पहचान सकते हो कि कौन सी रिक्वायरमेंट कहां पर है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज, प्रत्येक प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कंबाइन करने के लिए लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल की हमको जरूरत पड़ती है, इनको संगठित करना पड़ता है, इनको संयोजित करना पड़ता है। विच आर नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स यानी उत्पादन के कारक कहलाते हैं ये, जिनको हम कंबाइनिंग करते हैं लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल, इन सबको हम संयोजित करके हम प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर्स ये कहलाते हैं। एज वी रीड थ्रो द स्टोरी ऑफ पालनपुर, जैसा कि हम पालनपुर की जो स्टोरी है उसके द्वारा पढ़ने से हमको ये जान हम ये सीखेंगे। वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो थ्री फैक्टर्स हैं लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, उनके बारे में हम पालनपुर की स्टोरी से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो थ्री फैक्टर्स है, जो तीन जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट तीन रिक्वायरमेंट वो हम देखेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में भौतिक पूंजी को हम पूंजी कहेंगे। इस चैप्टर में हम जो फिजिकल कैपिटल है उसको हम केवल पूंजी मानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फार्मिंग इन पालनपुर। पालनपुर में फार्मिंग एग्रीकल्चर कृषि जो है यहाँ पर किस प्रकार की जाती है वो हम देखते हैं। लैंड इज फिक्स्ड, भूमि स्थिर है, पालनपुर में भूमि स्थिर है यानी उसकी लिमिटेशंस है, लिमिट मात्रा में है, उससे ज़्यादा नहीं है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर, पालनपुर गाँव में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। फार्मिंग ही उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% जो लोग है वो अपनी जीविका के लिए फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। हम यहाँ पालनपुर की बात कर रहे हैं, पालनपुर में जो 75% लोग है, 70% जो पीपल है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए अपनी जीविका के लिए फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, और ये क्लोजली जो है उत्पादन खेतों में उत्पादन से ये जुड़े हुए हैं। बट रिमेंबर, लेकिन आप याद रखिए दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि एग्रीकल्चर उत्पादन में एक मूलभूत जो है कठिनाई है, एक कॉन्स्ट्रेंट है, एक कठिनाई है, प्रॉब्लम है। एक लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, क्या कॉन्स्टेंट है यहाँ पर? एक कठिनाई ये है कि कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है यहाँ पर
वो फिक्स्ड है, स्थिर है, यानी भूमि स्थिर है। कल्टीवेशन के लिए हम और भूमि बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये एक कॉन्स्टेंट है यहाँ पर सिंस 1960 से। इन पालनपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी 1960 से पालनपुर में एक्सपेंशन नहीं हुआ है, लैंड का एक्सपेंशन नहीं हुआ है जहाँ पर खेती की जाती है, यानी खेती की जो जमीन है उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कोई विस्तार नहीं हुआ है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। हालांकि जो वेस्ट लैंड्स है, गांव की जो व्यर्थ भूमि है, उसको कन्वर्टेड किया गया है कृषि योग्य भूमि में। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाई ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। उसके अलावा नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई कोई स्कोप नहीं है इसमें। इंक्रीज हम नहीं कर सकते हैं नई भूमि जो है कृषि के लिए बढ़ाकर, हम इसमें और इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लार्ज एरियाज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। यहाँ पर जो मेजरिंग की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हेक्टेयर है। दो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुंठा, इटीसी। इसके अलावा गांव में आप दूसरे जो यूनिट्स है उनको भी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हो, इनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। ये बीघा है, बीघा में भी लैंड को मापा जाता है, गुंठा में मापा जाता है। वन हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। तो एक हेक्टेयर जो होता है वो जो एक स्क्वायर होता है, यानी एक जो भुजा होती है स्क्वायर की 100 मीटर्स, उस स्क्वायर को हम मान सकते हैं, जिसकी एक भुजा 100 मीटर्स होती है, तो उस स्क्वायर को हम इक्वल मान सकते हैं वन हेक्टेयर के। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ वन हेक्टेयर फिक्स फील्ड विद एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। आपका जो स्कूल का ग्राउंड है उसकी तुलना भी आप इस हेक्टेयर से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब पालनपुर में जो लैंड है वो तो फिक्स है, लेकिन क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, कोई वे है जिसके द्वारा हम जो फिक्स्ड लैंड है यहाँ पर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके? तो ऐसा कोई तरीका है या नहीं है उसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि पालनपुर में जो ज़मीन है वो फिक्स है। लेकिन ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम उस फिक्स्ड लैंड में भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, तो हम देखते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, किस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और किस प्रकार की यहाँ पर जो है सुविधाएं है पालनपुर में। पालनपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट का एक गांव लगता है। उत्तर प्रदेश में जो गांव है उसके जैसा ये पालनपुर जो है हमको लगता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालनपुर। पालनपुर के अंदर सभी जो लैंड है उस पर खेती की जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। कोई भी भूमि आइडल नहीं छोड़ी जाती है, व्यर्थ नहीं छोड़ी जाती है, यानी सारी भूमि के ऊपर कृषि की जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, जो रेनी सीजन्स होती है जिसको हम जिसमें हम खरीफ की फसल बोते हैं, फार्मर्स ग्रो जोवर एंड बाजरा। रेनी सीजन्स में फार्मर्स यहाँ पर जोवर और बाजरा बोते हैं।
ज्वार और बाजरा यहाँ पर ग्रो किया जाता है, खरीफ की जो फसल होती है जो रेनी सीजन्स में होती है वो यहाँ पर जो है ग्रो की जाती है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज ए केटल फीड, इन प्लांट्स का यूज केटल फीड के रूप में भी किया जाता है, पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है उस चारे के रूप में भी ज्वार एंड बाजरा का यूज किया जाता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटेटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इसके साथ साथ अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इसके साथ साथ ज्वार और बाजरा के साथ साथ पोटेटो की खेती भी की जाती है। हाँ, आलू की खेती भी जो है अक्टूबर और दिसंबर में यहाँ पर की जाती है पालनपुर में। इन द विंटर सीजन, जो सर्दी का मौसम होता है जिसमें हम रबी की फसल बोते हैं, फील्ड्स आर शॉन विद वेट। तो फील्ड्स जो होते हैं उसमें गेहूं बोया जाता है, रबी की सीजन्स में गेहूं बोया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन। गेहूं का जो उत्पादन होता है उनमें से पर्याप्त मात्रा में गेहूं को फैमिलीज कंजम्पशन के लिए रखा जाता है एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। और जो वीट सरप्लस होता है, जो बच जाता है फैमिली के कंजुक्शन के बाद में जो सरप्लस हो जाता है वीट, उसको मार्केट में बेचा जाता है। कौन सा मार्केट? रायगंज, जो पालनपुर के पास में ही ये रायगंज है, वहाँ पर किसान लोग मंडी में गेहूं को ले जाते हैं, सरप्लस वीट को, और मार्केट में बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। इसके अलावा पालनपुर में लैंड के एक भाग पर शुगर कैन की खेती भी की जाती है, शुगर कैन भी बोया जाता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी कटाई की जाती है, हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, प्रति वर्ष एक बार इसकी कटाई की जाती है शुगर केन की, है ना, शुगर केन गन्ना। शुगर केन इट्स इज इन इट्स रॉ फॉर्म और ए जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में जो है ट्रेडर्स को बेचा जाता है शाहपुर में, पास में जो गांव है शाहपुर वहाँ पर जगरी के रूप में या इसके रॉ फॉर्म के रूप में सोल्ड किया जाता है ट्रेडर्स को, शुगर केन को जो यहाँ पर बोया जाता है पालनपुर में उसको भी सोल्ड किया जाता है ट्रेडर्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मेन रीजन व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालनपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब पालनपुर में एक वर्ष में फार्मर्स जो है वो तीन अलग अलग फसलें ले लेते हैं। इसका क्या रीजन्स है, क्यों पैदा कर पाते हैं वो पालनपुर में जो है थ्री डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर क्यों वो प्रोड्यूस कर पाते हैं? तो इसका कारण यह है कि पालनपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। क्योंकि पालनपुर में इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप है, यानी सिंचाई की उन्नत व्यवस्था के कारण फार्मर्स जो है वो एबल हो जाते हैं टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप्स, तीन विभिन्न प्रकार की फसलें वो ले पाते हैं ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था है इस कारण वो तीन फसलें ले लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैम अर्ली टू पालनपुर, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है पालनपुर में। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ एरीगेशन। तो बिजली के कारण जो है यहाँ पर जो है सिंचाई की जो पद्धति थी उसमें चेंज आया है। इलेक्ट्रिसिटी कैम अर्ली टू पालनपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ एरीगेशन। एरीगेशन का जो सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, बदल गया है, काफी उसमें चेंज आया है।
Persian wells were till then used by farmers to draw water from the wells. तब तक किसान कुओं से जो पार्शियन वेल्स है उसे पानी निकालकर जो है वो इरिगेशन करते थे. यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स, वेल्स से वाटर को ड्रा करके फार्मर्स इनका यूज करते थे. किसका? पर्शियन वेल्स, जिनको हम कह सकते हैं रहट. रहट होते थे पहले तो एंशियंट टाइम में, तो उन रहट का यूज करके फार्मर्स जो है इरिगेशन करते थे. यूज्ड बाय फार्मर्स ड्रा वाटर फ्रॉम वेल, वेल से वाटर निकालने के लिए पर्शियन वेल्स का यूज फार्मर्स द्वारा किया जाता था. एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स, जो स्मॉल फील्ड्स होते थे उनको इरिगेट किया जाता था, उनको सिंचित किया जाता था. किसके द्वारा? पर्शियन वेल्स के द्वारा. पीपल सा, लोगों ने देखा दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स कुड इरिगेट मच टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. तो लोगों ने जो है धीरे धीरे फिर इलेक्ट्रिक का यूज किया. तो लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स है उनसे ज्यादा प्रभावकारी ढंग से मैनी फील्ड्स में सिंचाई की जा सकती थी. तो उन्होंने जो है नलकूप का यूज किया. इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. नहीं, यहाँ से है लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली. तो बिजली का उन्होंने जो है ट्यूबवेल्स वगैरह उनमें इनका ज़्यादातर यूज किया. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. प्रारंभ में गवर्नमेंट के द्वारा ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल किया गया, यानी शुरू शुरू में गवर्नमेंट के द्वारा ट्यूबवेल्स लगाए गए. सोन हाउ एवर, लेकिन शीघ्र ही फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. लेकिन धीरे धीरे फार्मर्स जो है उन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना भी चालू कर दिया. उन्होंने जो है अपने घरों में अपने खेतों में ट्यूबवेल्स लगाना चालू कर दिया. एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड. इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1970 के मध्य तक जो है 200 हेक्टेयर्स के पूरे जुते हुए क्षेत्र की जो है वो इरिगेशन होने लगी. एंटायर कल्टिवेटेड एरिया वो जो है इरिगेटेड किया जाने लगा. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. ये भी आपके मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन है, आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पर, ये आपको लर्न करना है. यानी एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, यानी एक साथ एक क्रॉप से ज्यादा क्रॉप लेते हैं हम किसमें? ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक ही भूमि के टुकड़े से. अ पीस ऑफ लैंड में हम टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा फसल लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक वर्ष के भीतर, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. इसको हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं. इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ये एक सामान्य तरीका है, अच्छा तरीका है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन का. प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं. जो पीस ऑफ लैंड है दिया हुआ, जो पीस ऑफ लैंड है, भूमि का टुकड़ा है, उस पर अगर हमको प्रोडक्शन का इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग को चूज करेंगे. मल्टीपल क्रॉपिंग से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. ऑल फार्मर्स इन पालनपुर ग्रो एटलीस्ट टू मैन क्रॉप्स. पालनपुर के जो सभी किसान है
वो दो मेन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. मैनी आर ग्रोविंग पोटेटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 years. पिछले 15 से 20 सालों में जो पालनपुर के जो किसान है वो पोटेटो को भी तीसरी फसल के रूप में उगाना चालू कर दिया है उन्होंने लास्ट 15 to 20 years. पिछले 15-20 वर्षों से इन्होंने थर्ड फसल के रूप में, थर्ड क्रॉप्स के रूप में पोटेटो को ग्रो करना चालू कर दिया है. ये आप देख सकते हो पिक्चर में 1.3 में डिफरेंट क्रॉप्स है. ये शुगर केन है, पोटेटो है, बाजरा, बीट है. तो इस प्रकार के जो ये क्रॉप्स है ये पालनपुर में ग्रो की जाती है. तो आप इसमें देख सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं हम द फॉलोइंग टेबल 1.1 शोज द लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टर्स. जो टेबल 1.1 बताई गई है उसमें ये 1.1 है. 1.1 कल्टिवेटेड एरिया और द ईयर्स, साल दर साल जो कृषि की जाती है मिलियंस हेक्टेयर्स में वो यहाँ पर बताई गई है. यानी 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर्स कल्टिवेटेड एरिया था और 2010-11 में ये 140 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया. तो 1.1 में हम जो है देख सकते हैं ये टेबल शो करती है कि भारत में किस प्रकार जो है कृषि क्षेत्र को बोया गया है वो हम देख सकते हैं. प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइडेड. ग्राफ के अंदर जो है प्लॉट बताए गए हैं. व्हाट डज द ग्राफ शो, जो है आरेख जो है क्या बताते हैं, क्या शो करते हैं. डिस्कस इन क्लास क्लास. तो क्लास के अंदर जो है आप डिस्कस कर सकते हो इस टेबल के ऊपर. इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन. वाई इरीगेशन का जो एरिया है उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना इम्पोर्टेंट है. वाई क्यों, क्यों बढ़ाना जरूरी है? क्योंकि जो वर्षा होती है वो कम होती है और अगर हमको मल्टीपल क्रॉपिंग अगर हमको ग्रो करनी है तो हमको इरीगेशन की आवश्यकता होती है. इसलिए ये इंक्रीज करना जरूरी है, इरिगेशन का इंक्रीज करना जरूरी है. यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालनपुर. पालनपुर में जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती है उनके बारे में आपने पढ़ा. फिल द फॉलोइंग टेबल बेस ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन्स. आपके रीजन्स में जो भी क्रॉप्स ग्रोन की जाती है उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप फिल अप कर सकते हो. You have seen, आपने देखा that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. अगर हमको production में increase करना है तो one way क्या है इसका, multiple cropping. उसका एक ही तरीका है, बहुविध फसल प्रणाली. एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाना उसको हम कहते हैं multiple cropping. The other way is to use modern farming methods. और दूसरा जो तरीका है अगर हमको प्रोडक्शन में इंक्रीज करना है तो फर्स्ट तो जो वे है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग और अदर वे क्या है, यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. फार्मिंग के जो मॉडर्न मेथड्स है उनका यूज करना, ये दूसरा तरीका हो सकता है. और हायर यील्ड, हायर यील्ड के लिए, अधिक उपज के लिए जो मॉडर्न मेथड्स है एग्रीकल्चर के वो यूज करना, ये दूसरा तरीका हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने का. यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. सिंगल सीजन के अंतर्गत जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसको मापने का जो मापने की जो इकाई है, यूनिट्स है, वो यील्ड है. उसको हम यील्ड कहते हैं. टिल द मिड 1960s
1960 के दशक के मध्य तक द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल, यानी 1960 के दशक तक जो सीड्स यूज किए जाते थे कल्टीवेशन में वो ट्रेडिशनल होते थे, परंपरागत बीजों का यूज किया जाता था विद रिलेटिवली लो यील्ड्स, इसे जो उपज होती थी वो कम होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस एरिगेशन, जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उनको लेस एरिगेशन की नीड्स होती है, उनको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कम पानी में भी ट्रेडिशनल सीड्स जो है ग्रो कर जाते हैं। फार्मर्स यूज्ड काउडंग, आप जानते ही हो फार्मर्स जो होते हैं वो काउडंग का यूज करते हैं, गोबर का एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, जो प्राकृतिक खाद है उनका यूज भी फार्मर्स करते हैं, काउडंग का यूज करते हैं फसल को अच्छी बनाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए। ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, तो ये जो है आराम से जो है फार्मर्स को जो है अवेलेबल हो जाती है ये चीज़ें। फर्टिलाइजर्स है कौन सा, नेचुरल मैन्योर्स, नेचुरल मैन्योर्स जो है वो, या फिर काउडंग है, ये उसको आसानी से जो है अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए इनका यूज वो करता है। इसके अलावा द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज HYVS। हरित क्रांति के दौरान यानी कि 1960 के दशक में इंडियन फार्मर्स ने वीट और राइस की कल्टीवेशन के लिए HYVS सीड्स का यूज किया, उच्च उपज बीज। HYVS का मतलब है हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स, सीड्स की ये एक किस्म है जिसको हम कहते हैं HYVS, इसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैराइटीज, उच्च उपज बीज। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति हुई थी 1960 में, तो उस समय इंडियन फार्मर्स ने वीट और राइस का ग्रो करने के लिए इस प्रकार के सीड्स को यूज में लिया था कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सीड्स, यानी ट्रेडिशनल सीड्स की जगह इन सीड्स को यूज में लाया गया। द HYVS सीड्स प्रॉमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन द सिंगल प्लांट। जब हम HYVS सीड्स को यूज में लाते हैं तो जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, उसका अच्छा प्रोड्यूस होता है, उस जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स है उसके उसकी तुलना में इन सीड्स से प्रोडक्शन बढ़ता है। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। HYVS सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, जो HYVS सीड्स होते हैं उनको वाटर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, अगर बेस्ट रिजल्ट्स हमको प्राप्त करना है तो इन चीज़ों का हमको जो है यूज करना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स इनका यूज फार्मर्स करते हैं। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYVS सीड्स, पेस्टिसाइड प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYVS सीड्स इरिगेशन केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ETC। तो HYVS सीड्स का यूज जब हम करते हैं तो उसके लिए इरिगेशन केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इनका भी यूज जो है इसके साथ में जो है किया जाता है। फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है इंडिया में जो जिन्होंने फर्स्ट बार यूज किया था वो फार्मर्स थे पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के। यहाँ के जो फार्मर्स है उन्होंने आधुनिक तरीकों
से जो है इनका फर्स्ट प्रयोग किया था, ये जो फार्मिंग मेथड्स है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, इनका यूज सबसे पहले फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो इन्होंने किया था। द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, यहाँ के जो फार्मर्स है इन्होंने सेटअप किया ट्यूबवेल्स को फॉर इरिगेशन के लिए, एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, और इन्होंने जो है HYV सीड्स का यूज भी किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, फार्मिंग के अंदर इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक, इनका यूज इन्होंने किया। सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स, उनमें से कुछ किसानों ने जो है मशीनरी आइटम खरीदे, जैसे ट्रैक्टर्स है, थ्रेसर्स है, इनको इन्होंने जो है फार्म में यूज किया, विच मेड प्लॉविंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। इन मशीनरी आइटम से प्लॉविंग जो है वो तेजी से होता है, हार्वेस्टिंग तेजी से होता है, दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट्स, तो उन्होंने जो है ज़्यादा गेहूं की पैदावार भी उनको प्राप्त हुई, हाई दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट, इनका यूज करने से गेहूं का जो प्रोडक्शन था उसमें भी काफ़ी मात्रा में जो है बढ़ोतरी हुई। इन पालनपुर, पालनपुर के अंदर द यील्ड ऑफ वीट ग्रॉन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर, जो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ के जो सीड्स पालनपुर में यूज किए जाते थे उससे 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन होता था। विद HYV सीड्स, जब उन्होंने HYV सीड्स का यूज किया, द यील्ड वेंट अप टू 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो उनका जो प्रोडक्शन था वो 1300 से बढ़कर 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया, यानी जब वो पुराने बीजों का यूज कर रहे थे तो उनका प्रोडक्शन 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, जब उन्होंने HYV सीड्स का यूज किया तो उनका प्रोडक्शन जो है बढ़कर 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट के प्रोडक्शन में जो है लार्ज मात्रा में इंक्रीज हुआ। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट्स, अब फार्मर्स के पास में ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस था, किसका, वीट का, वीट का जो है उनके पास में सरप्लस हो गया, यानी कंजप्शन के बाद में उनके पास में बहुत अधिक मात्रा में गेहूं जो है वो सरप्लस हो गया, अधिशेष रह गया टू सेल इन द मार्केट्स, मार्केट में बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए उनके पास में काफ़ी जो है गेहूं जो है उनके पास में यूज करने के लिए था। लेट्स डिस्कस करते हैं हम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो इनमें आपको डिफरेंस करना है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन से हैं जिनका यूज फार्मिंग में होता है, तो अभी हमने पढ़ा था। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड पल्सेस इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन्स में जो है ये सारणी बता रखी है, जिसमें वीट और पल्सेस का जो प्रोडक्शन हो रहा है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, उसका अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं। प्लॉट दिस ऑन ए ग्राफ, वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स, दोनों क्रॉप्स के लिए क्या ग्रीन रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल रही है या नहीं रही है, इसके बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, इसके अलावा जो है आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है, इसके बारे में भी आपको देखना है। कार्यशील पूंजी का मतलब है जो कार्य में परिणित होती है, यानी कि जो मनी इन हैंड है, इस प्रकार ये कार्यशील पूंजी है, मनी लगानी पड़ती है तो वो कार्यशील पूंजी कहलाएगी। इसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, सॉरी, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन्स, अगर आप फील्ड्स के अंदर विजिट करो तो आपको फार्मर्स से कुछ जो है टॉक करनी है, बातचीत करनी है, उनको पूछना है व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड, डू द फार्मर्स यूज राइट नॉट, उनसे पूछना है
कि आधुनिक परंपरागत मिश्रित खेती की इन विधियों में किसान जो है किसका प्रयोग करते हैं ये उनको पूछना है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कौन कौन से सोर्स वो यूज करते हैं, हाउ मच ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, इरिगेटेड का जो कल्टीवेटेड लैंड है वो कितना है, वेरी लिटिल है, नियरली हाफ है या मेजोरिटी में है, ये तीनों में से कौन सा है, वो उनको आपको टाक करनी है, बातचीत करनी है कि आप इरिगेशन जो करते हो कितने क्षेत्र में करते हो, छोटे क्षेत्र में करते हो या आधे क्षेत्र में करते हो या बहुत अधिक संख्या में जो लैंड है उस पर इरिगेशन की जाती है, ये बातें आपको पूछनी है। फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर, इसके अलावा किसान अपने लिए आवश्यक जो इनपुट्स है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भी उनसे आपको पूछना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, विल द लैंड सस्टेन, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, यानी जितना भी हम यूज कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर रहे हैं, इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, तो ये भूमि क्या सहन कर पाएगी, भूमि जो है ये सब धारण कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये हम देखेंगे। यानी क्या भूमि ये सस्टेन कर पाएगी, सीमित क्षेत्र में जो हम जो फार्मिंग के जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं उससे लैंड सस्टेन रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये हम देखते हैं। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, आप जानते हो जैसे कि हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, तो भूमि क्या है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, तो इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की हमको जरूरत है, क्योंकि लैंड जो है वो लिमिट मात्रा में है, इसकी लिमिटेशंस है, इसलिए इसको हमको यूज करने के लिए जो है क्या करना है, केयर रहना है, हमको केयरफुल इसका यूज करने के लिए हमको नेसेसरी है, हमको आवश्यकता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है वो इंडिकेट करती है दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ट, तो आधुनिक रिपोर्ट से हमको ये इंडिकेट मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का जो है अति उपयोग किया है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो है अधिक उपयोग किया है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसा कि ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ था, हरित क्रांति में जो हुआ था लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो मिट्टी की जो उर्वरकता है उसका लॉस हुआ था, क्यों हुआ था, ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका ओवर यूज किया था हमने, जिससे लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हुई। आल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड, इसके अलावा हमने ग्राउंड वाटर का जो यूज किया है ट्यूबवेल के रूप में, इरिगेशन के रूप में, उसने भी वाटर टेबल को रिड्यूस कर दिया है, जो हमारा जल स्तर है भूमि के अंदर उसको काफ़ी बिलो कर दिया है, यानी जल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप फॉर मैनी ईयर्स, ये जो रिसोर्सेज है यानी सॉइल फर्टिलिटी है, ग्राउंड वाटर लेवल है, इसको तैयार होने में बहुत से ईयर्स लगते हैं, इसलिए इनका यूज जो है हमको सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ये एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर, और आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स, इनको बनने में काफ़ी वक्त लगता है, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, एक बार नष्ट होने के बाद में इनको रिस्टोर करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इनका यूज हमको केयरफुली करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जो है हमको केयर करना चाहिए एनवायरमेंट का, टू इंश्योर निश्चित करने के लिए, टू फ्यूचर
एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर है उसको इंश्योर करने के लिए हमको एनवायरनमेंट का केयर करना चाहिए। सजेस्टेड एक्टिविटी है ये आपके, आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स राइट अ लेटर टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन योर ऑन वर्ड्स टेलिंग हिम हाउ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल। ये हमने जो पढ़ा था कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज हो रहा है वो लैंड के लिए किस प्रकार हार्मफुल है, उसके बारे में एक लेटर लिखना है आपको। किसको लिखना है? टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, जो कृषि मंत्री है उसको रिपोर्ट करने के लिए ऑन योर वर्ड्स, आपके अपने शब्दों में जो है उनको एक लेटर लिखना है और उसमें आपको बताना है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जिसका यूज हम लैंड में कर रहे हैं वो कितना हार्मफुल है, वो कितना घातक है। तो उसके जो लॉसेज है, जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो बताने हैं आपको। तो किस प्रकार बताने हैं वो आपके इसमें बता रखा है बॉक्स में, कि जो फर्टिलाइजर्स है उससे किस प्रकार की हानि होती है वो आप इस बॉक्स को पढ़कर आप जो है बता सकते हो। ये बॉक्स आप पढ़ के लेटर लिखना है कि किस प्रकार केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स जो है वो लैंड के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर। पालनपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है। पालनपुर के जो किसान है उनमें वहाँ पर जो भूमि है वो उनको किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है, तो ये हम देखते हैं। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर, पालनपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, तो हम देखते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, आपने ये रियलाइज किया होगा, आपने ये जान लिया होगा हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए लैंड कितनी इम्पोर्टेंस रखती है वो आपने अब जान लिया होगा, आपने रियलाइज कर लिया होगा कि फार्मिंग के लिए लैंड कितनी महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, लेकिन अधिकांश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास में खेती के लिए जमीन नहीं है, है ना। सफिशिएंट लैंड जो है फॉर कल्टीवेशन जो है वो पर्याप्त नहीं है लोगों के लिए, सभी को भूमि प्राप्त नहीं है इन पालनपुर में। अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी 450 फैमिलीज में से 1/3 के पास में भूमि नहीं है, वो लैंडलेस है। जैसे 150 फैमिलीज यानी 450 परिवारों में से जो एक तिहाई परिवार है 150, उनके पास में लैंड नहीं है, वो लैंडलेस है, भूमिहीन है। मोस्ट ऑफ देम दलित, उनमें से भी बहुत सारे दलित है, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास में कल्टीवेशन के लिए नो लैंड, भूमि नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन, और जो रिमेनिंग फैमिलीज है, जो बचे हुए परिवार है, बाकी परिवार, हु ऑन हु ऑन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 hectares इन साइज, और जो बाकी के परिवार है उनमें से 240 परिवार जिनके पास में भूमि है वो भी 2 hectares से कम क्षेत्रफल वाले जो छोटे भूमि के टुकड़े हैं उनके ऊपर खेती करते हैं। यानी जिनके पास में लैंड है उनके पास में भी लैंड की जो साइज है, प्लॉट की जो साइज है वो बहुत कम है, 2 hectares है, यानी कम भूमि उनको प्राप्त है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। तो इस प्रकार के जो छोटे प्लॉट है, भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से
किसान के परिवारों को पर्याप्त जो है इनकम नहीं होती है, वो पर्याप्त इनकम नहीं कर पाते हैं। ऐसे छोटे प्लॉट्स में अगर वो खेती करेंगे तो उनको जो है पर्याप्त मात्रा में जो है बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्केटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। जो पिक्चर इस बुक में बता रखी है, चित्र में आप एक गांव के चारों तरफ बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को आप देख सकते हो। ये देखिए आप, ये जो पालनपुर विलेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड है, तो ये कितने छोटे छोटे जो है टुकड़े जो है बांट रखे हैं, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और कुछ एक जो है ये बड़े टुकड़े हैं जो कम है, कम परिवारों के पास में ही हैं ये, लेकिन ज़्यादातर के पास में जो रिमेनिंग विलेजेज है, सॉरी जो रिमेनिंग विलेजर्स है, फार्मर्स है, उनको छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त है, तो हम इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाई द स्मॉल फार्मर्स, ये जो है स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेटेड किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। और दूसरी तरफ जो आधा एरिया है विलेज का वो कवर्ड है बाई प्लॉट्स, प्लॉट्स के द्वारा दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। ये जो प्लॉट है ये साइज में बड़े हैं। इन पालनपुर, पालनपुर के अंदर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो पालनपुर के अंदर जो मीडियम फैमिली है, मध्यम वर्ग के जो परिवार है, और जो लार्ज परिवार है 60 फैमिलीज, जो मीडियम क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, जो बड़े किसान है, वो कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, वो लैंड के 2 हेक्टेयर्स भाग पर वो खेती करते हैं। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। इसके अलावा जो बाकी के परिवार है, जो बड़े किसान है, वो अपने खेतों में काम करने के लिए हाँ, जो दूसरे जो लार्ज फार्मर्स है वो 10 हेक्टेयर्स और ज़्यादा भूमि के ऊपर जो है वो खेती करते हैं।